सुप्रभात बच्चों, कक्षा 6 के बच्चों के लिए इससे पूर्व पाठ 5 तक मैं सारे वीडियोस और पीडीएफ्स आपको भेज चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। पाठ 6 जो है षष्ठ, संस्कृत में 6 को कहते हैं षष्ठ, षष्ठ पाठ, छठा पाठ, छठा अध्याय। इस पाठ का नाम है समुद्र तटा, समुद्र का किनारा। यहाँ देखो समुद्र के किनारे की तस्वीर है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई बालू से घर बना रहा है, कोई गेंद खेल रहा है, कोई और कुछ कुछ कर रहा है, और बीच बीच में लहर भी दिख रही है कि वो आ रही है जा रही है। तो इसी से संबंधित है पाठ ये। ऐसा समुद्र तट, ऐसा यह समुद्र तट, समुद्र का किनारा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र माने यहाँ, जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय पर्यटन के लिए अर्थात घूमने फिरने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं मनोरंजन के उद्देश्य से। केचन, केचन माने कोई, उनमें से कोई, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, उनमें से कोई तरंगों के साथ खेलता है, समुद्र की लहरों के साथ। केचन च नौका भी ही जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ जो हैं और कुछ वो नाव से जल विहार करते हैं, बोटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसे हिंदी और संस्कृत में जल विहार कहते हैं, कुछ जल विहार करते हैं नौका से। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और उन्हीं में से कुछ गेंद से खेलते हैं, कंदुक कहते हैं कंदुकम, गेंद कंदुकेन कंदुक गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, देखो बालिका यानी बालक लड़के लड़कियां, बालका यानी लड़के, बालिका लड़कियां, बालका लड़के, च बालुका भी बालू से, बालुका गृहं रचयन्ति बालू के घरों का निर्माण करते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगे समुद्र की जो लहरें हैं वो आती हैं और उन रेत के घरों को, बालू से बने घरों को बहाकर ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ये खेल ऐसे ही चलता रहता है, ये खेल जो है ऐसे ही चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा केवल पर्यटन स्थान नहीं है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, जिसे अंग्रेजी में टूरिस्ट प्लेस कहते हैं उसे संस्कृत में पर्यटन स्थान कहते हैं, हिंदी में भी पर्यटन शब्द का ही प्रयोग होता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा केवल पर्यटन स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः